नमस्कार सभी को। आज हमारे IFPH के प्लेटफॉर्म का ये डेली चलने वाला 397th डे है, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी 1 मिनट के साइलेंट प्रेयर के लिए। थैंक यू। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर मनीष आजाद सर। सर अभी करेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट फिजिशियन वर्क कर रहे हैं डिवाइन होम्योपैथिक क्लिनिक वाराणसी में। सर ने अपना BHMS होम्योपैथी यूनिवर्सिटी जयपुर से कंप्लीट किया है और MD होम्योपैथी रिपर्टरी में कंप्लीट किया है फ्रॉम GD मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पटना। और सर ने ऑलरेडी हमारे IFPH प्लेटफॉर्म पे 3 बार वेबिनार प्रेजेंट कर रखा है। सर ने ऑलमोस्ट 15 से ऊपर स्कॉलरली आर्टिकल्स भी वेल नोन जर्नल्स में प्रेजेंट कर रखे हैं। सर की थीसिस केंट्स रिपर्टरी एंड टीनिया कॉर्पोरिस पे प्रेजेंट हुई है। सर का एक ब्रेस्ट कैंसर पे रिसर्च सिलेक्ट हुआ था STSH में, और सर ने लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के डिजीजेस में एज अ डाटा कलेक्टर भी वर्क किया हुआ है। और सर हमारे IFPH के प्लेटफॉर्म पे एज अ मॉडरेटर भी वर्क करते हैं। तो आई वेलकम यू सर। आज का टॉपिक है इनका जुनूनी बाध्यकारी व्यक्तित्व विकार, दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव सोशल डिसऑर्डर। मैं रिक्वेस्ट करूंगी पर्सनालिटी कि सॉरी पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सर अपना सेशन स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अंकिता। और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी सर। इज द स्क्रीन विजिबल? ठीक हाँ सर। है सर ठीक है। स्लाइड तो शो आज भी का कर टॉप सकते हैं। नहीं शायद मतलब मैक्सिमम टाइम हैंग होने लगता है ऐसे ही। ठीक है। ओके ओके इट्स ओके सर। हाँ तो आज का टॉपिक है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इससे पहले हम लोग जो टाइप बी का पर्सनालिटी डिसऑर्डर है क्लस्टर बी, वो मैक्सिमम खत्म कर चुके हैं। तो आज हम लोग ने क्लस्टर सी मेंटर किया है और ये क्लस्टर सी का फर्स्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम जब शुरू में पर्सनालिटी डिसऑर्डर को समझेंगे, उसके बाद जब आगे चलेंगे तो हम एक डिफरेंस भी समझेंगे। बिकॉज एलिफेंट इन द रूम, लोगों को लगता है कि ओसीडी और ओसीपीडी सेम चीज है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर आर नॉट द सेम थिंग्स। सो जब हम लोग इस टॉपिक को आगे इलैबोरेट करेंगे तो ये चीज समझेंगे कि ओसीडी इज डिफरेंट एंड ओसीपीडी इज डिफरेंट। ओके तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फिर से हमेशा की तरह सबसे पहला स्लाइड, व्हाट आर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, होते क्या है बेसिकली। तो शुरू से हम लोग ये चीज समझ चुके हैं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर बेसिकली एक ग्रुप ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं, जहां पे बिहेवियर में, कॉग्निशन में, इनर एक्सपीरियंस में, इन चीजों में ना बार बार आपको दिखेगा कि एक पैटर्न है जो कि बिगड़ा हुआ है और बहुत लंबे समय से है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो पैटर्न है ये 3 महीने पुराना होगा तो हम उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोल देंगे। कि अगर किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई और वो उसके चक्कर में डिप्रेस्ड साउंड कर रहा है तो हम ऐसा नहीं बोल देंगे कि वो पागल हो गया, उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ठीक है। इट शुड बी लॉन्ग, मतलब एक एक जो पैटर्न आपका है वो बड़ा होना चाहिए। कि कम से कम हमें 3 साल से सेम चीज दिख रही है, 15 साल से सेम चीज दिख रही है, तो हाँ इस इंसान में शायद पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है। तो एक मेंटल हेल्थ कंडीशन का कैरेक्टर जब आप देखेंगे तो बिहेवियर के पैटर्न पे, कॉग्निशन के पैटर्न पे, उनका जो एक्सपीरियंस है वो डेविएटेड है। किस चीज के कंपैरिजन में? कल्चरल एक्सपेक्टेशन के कंपैरिजन में। क्योंकि हम किससे कंपेयर करेंगे? एनवायरनमेंट से, कि अगर सब लोग सीधी चाल चल रहे हैं तो ये उल्टा क्यों चल रहे हैं। ठीक है। अगर सब अच्छे से बात कर रहे हैं तो ये चिल्ला के क्यों बात कर रहा है। तो बेसिकली जो कल्चरल एक्सपेक्टेशन है, जो उसका एनवायरनमेंट है, जो सोशल इंटरेक्शन है, उससे जो डेविएशन होगा वो आप अगर एक लंबे समय तक नोट करते हैं तो हाँ हम उस चीज को पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कंसिडर करेंगे। पर्सनालिटी डिसऑर्डर बेसिकली 3 क्लस्टर्स में बांटा गया है, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। ठीक है। और इसको बांटने का जो तरीका है वो DSM-5 ने सिखाया है हमें। DSM-5 इज व्हाट? डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, DSM-5। ओके। ये बेसिकली मैनुअल है मेंटल डिसऑर्डर्स का। तो DSM-5 ने हमें सिखाया है कि हम कैसे कैसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को बांट सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्लस्टर ए को समझते हैं। क्लस्टर ए इज ऑड और एक्सेंट्रिक डिसऑर्डर्स।
ऑड और एक्सेंट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, मतलब इनमें बेसिकली ना इनको इनका जो बिहेवियर है वही ऑड होता है। जब हम क्लस्टर ए पे जाएंगे तो हम इस चीज को समझेंगे कि क्लस्टर ए के जो बेसिक तीन डिसऑर्डर्स हैं ना, इनका तो बिहेवियर ही ऑड होता है। तो यहाँ पे तीन होते हैं, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, शिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर और शिजोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। देन देर इज क्लस्टर बी। क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर ज्यादातर ड्रामेटिक, इरेटिक, ज्यादा इमोशनल, इस तरीके के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है? ये हम चारों पढ़ चुके हैं। सो फर्स्ट वाज एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सेकंड इज बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, थर्ड इज हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड द फोर्थ इज नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है? और आज का टॉपिक क्योंकि क्लस्टर सी पे है तो हम क्लस्टर सी पे आते हैं। क्लस्टर सी की जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है दैट इज एंशियस और फियरफुल डिसऑर्डर, कि घबराहट से या तो किसी तरीके की सोच से प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे तीन बेसिक हैं, अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। लेट्स अंडरस्टैंड कि ये होता क्या है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर काफी काफी ओसीडी से मैच कर रहा होगा, तो इसलिए जिन लोगों को ओसीडी पता है कि बार बार हाथ धुलना और बार बार चीजों को समेट के रखना, ये वाली चीज काफी काफी मैच करेगी, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं। आगे चल के डिफरेंस को समझते हैं, पहले ओसीपीडी को समझते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है? बेसिक एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जहां पे बहुत टाइम से पैटर्न बना हुआ है लोगों को चीजों को ऑर्डरलीनेस में रखने का, मतलब हर चीज को जो भी उसके सामने पड़ी हुई है उसको समेट के रखेगा, परफेक्शनिज्म का। यहाँ पे ये वर्ड जरूर ध्यान रखिएगा, ओसीपीडी में परफेक्शनिज्म मैटर करता है, उसको हर चीज परफेक्ट करनी है। और यहाँ पे सिर्फ बार बार हाथ धुलना या कमरे को समेटना नहीं है, इट इज लाइक उसका सोशल लाइफ, उसका मैनेजमेंट लाइफ, उसको सब कुछ परफेक्ट चाहिए। एंड देन मेंटल एंड इंटरपर्सनल कंट्रोल, उसको हर चीज अपने कंट्रोल में रखनी है, ठीक है? उसके हाथ से अगर कंट्रोल जाएगा तो वहां पे रूब्रिक आ जाएगा, एलिमेंट्स फ्रॉम लॉस ऑफ कंट्रोल, ठीक है? उसके हाथ से कंट्रोल नहीं जाना चाहिए। और उसको डिटेल्स मैटर करती हैं, ठीक है? यहाँ पे कहीं ना कहीं वो संजय लीला भंसाली वाला हिसाब हो जाएगा कि पीछे के पर्दे भी ठीक होने चाहिए और बगल का जो फूलदान है वो भी अच्छा होना चाहिए वाला हिसाब है, कि यहाँ पे हर डिटेल मैटर करेगी। एक छोटी छोटी डिटेल्स भी ओसीपीडी के पेशेंट्स को दिखती है जो कि नॉर्मल लोग शायद अवॉइड कर जाएंगे। ओसीपीडी में सबसे बड़ा जो स्ट्रगल होता है वो कंट्रोल का होता है, इनको अपनी लाइफ में कंट्रोल चाहिए, ठीक है? और ये नए आइडियाज के लिए बिल्कुल ओपन नहीं होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर जैसे ये जितने लोग भी कनेक्ट किए हैं, मतलब जितने लोगों ने भी ज्वाइन किया, अगर यहाँ पे कोई 30 से अंडर का है तो उसको अपने पेरेंट में चीज दिखेगी कि एक एक एज ग्रुप आ जाता है जहाँ के बाद आप चीजों के लिए, नए आइडियाज के लिए बहुत हेल्प, बहुत ओपन नहीं होते हैं, ठीक है? आपको अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन ओसीपीडी में किसी भी एज में चीज हो सकती है कि उनको अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस नहीं चाहिए, उनकी लाइफ जिस तरीके से चलती आ रही है उनको वैसा ही चलाना है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो स्ट्रगल होता है ओसीपीडी का वो कंट्रोल का होता है। अब अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके देखें तो ओसीपीडी को फर्स्ट टाइम समझाया था एमिल क्रेपलिन ने, 19th और 20th सेंचुरी के बीच की बात कर रहे हैं हम लोग, जब एक जर्मन साइकियाट्रिस्ट हुए थे एमिल क्रेपलिन। इन्होंने समझाया था कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक है? जो बेसिक फाउंडेशन है जो आज हम पढ़ रहे हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, सिम्टम क्या होता है, तो वो बेसिक फाउंडेशन उन्हीं का रखा गया था, ठीक है? इन्होंने ये बताया था कि एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, एग्जैक्ट नाम ओसीपीडी नहीं दिया था लेकिन ये बताया था कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है जिसमें बहुत ज्यादा कंसर्न है ऑर्डरलीनेस को लेके, कंट्रोल को लेके और परफेक्शन को लेके। बाद में जब डीएसएम आया, यानी कि फर्स्टली आया था DSM-3, ठीक है? DSM-3 आया था 1980 में, उस समय पे अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने 1980 में जब DSM-3 पब्लिश किया था तो ओसीपीडी को एज एन पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया था और वहां पे इनका क्राइटेरिया एड ऑन हो गया था, ठीक है? अब ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाते हैं और सिम्टम्स पे आते हैं। की फीचर्स, सबसे पहला फीचर जैसा हमने शुरू में ही बोला था कि ध्यान रखना है परफेक्शनिज्म का। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का बेसिक प्रॉब्लम होता है परफेक्शनिज्म, इसको हर चीज परफेक्ट चाहिए, ठीक है? तो बहुत हाई स्टैंडर्ड है खुद के लिए भी और बहुत हाई स्टैंडर्ड है दूसरों के लिए भी, ठीक है? तो अगर किसी का मैनेजर या किसी का बॉस ओसीपीडी से सफर कर रहा है तो उसको हर चीज परफेक्ट चाहिए। यहाँ पे किसी का नाम लेना बिल्कुल गलत होगा। हम लोग के कॉलेज में एक वीसी चेंज हुए थे, जिनका सीसीआरएच से कनेक्शन है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, डॉक्टर चतुर्भुज नायक सर को। आई एम नॉट सेइंग ही सफरिंग फ्रॉम ओसीपीडी फर्स्टली। तो हुआ क्या, आप जब भी उनको स्लाइड्स देते हैं, अगर आपने कभी प्रेजेंटेशन बना के चतुर्भुज नायक सर को दिया है
तो नायक सर उसमें से सबको चेक करेंगे, मतलब इफ अ फुल स्टॉप इज मिसिंग देन देर इज अ प्रॉब्लम, इफ अ कॉमा इज मिसिंग देन देर इज अ प्रॉब्लम, उसमें कुछ भी मिस हो रहा है वो एक एक छोटी छोटी हाइपर लिंक और एक्सक्लेमेशन मार्क को सबको चेक करते हैं, ही गोज इन दैट काइंड ऑफ डिटेल, उनको हर चीज बहुत परफेक्ट चाहिए। बेसिकली अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ओसीपीडी, उनको हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है, ठीक है। अगेन पीएस, मैं नायक सर को ऐसा कुछ नहीं बोल रहा था, बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल ऑफ परफेक्शनिज्म। सो इनका बहुत हाई स्टैंडर्ड होता है, और अगर वो हाई स्टैंडर्ड मेट नहीं हुआ तो इनकी लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। सेकेंड इज ऑर्डरलीनेस, इनको हर चीज एक ऑर्डर के हिसाब से चाहिए, हर चीज ऑर्गेनाइज चाहिए, हर चीज बहुत साफ सुथरी चाहिए। इवन एक छोटे से छोटा टास्क अगर ये करेंगे तो उसको भी बहुत ज्यादा डिवोटेड होके करेंगे, इतना मतलब इनको ऑर्डरलीनेस चाहिए अपनी लाइफ, ठीक है। ये अपनी लाइफ में हेजीनेस बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। देन देर इज मेंटल एंड इंटरपर्सनल कंट्रोल। नाउ व्हाट इज मेंटल एंड इंटरपर्सनल कंट्रोल इज कि आप इतना कंट्रोल कर रहे हैं कि आपको किसी और पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको हर चीज के लिए मतलब आप बार बार कोक कर रहे हैं कि चीजों को सही तरीके से करो, तुम जो कर रहे हो वो गलत है, ठीक है। और इनको मैक्सिमम टाइम ये लगता है कि जो ये कर रहे हैं, जो तरीका इनका है वही सही है, ठीक है। लाइन लिखी हुई, दे ऑफन फील दैट देयर वे ऑफ डूइंग इज द ओनली राइट वे, ठीक है। अगर हम पोल्ट्री में आते हैं तो यहाँ पे रूब्रिक है एनार्किस्ट डॉगमेटिक, तो वैसे वाले रूब्रिक्स अब यहाँ पे फिर मतलब सिनारियों में आ जाते हैं, ठीक है। इनको हमेशा लगता है कि सिर्फ ये सही है, दे आर ऑलवेज द करेक्ट एंड राइट पर्सन एंड यू आर ऑलवेज द रॉन्ग पर्सन। देन द नेक्स्ट इज होल्डिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। पॉइंट फोर्थ को सुन के मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे सल्फर याद आने वाली है, तो इसलिए होल्डिंग ऑफ ऑब्जेक्ट को रैग वाला जो फिलोसफी है ना, रैग्स फिलोसफर, उससे कनेक्ट कर लीजिएगा। होल्डिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स का क्या है कि इनकी लाइफ में ये पुरानी चीजों को कलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। पुरानी हो चाहे जैसी भी चीजों, इनको अपनी चीजें बहुत अच्छी दिखती हैं जिसकी आपके हिसाब से शायद कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, लेकिन इनके हिसाब से है, ठीक है। और ये वो रखेंगे, ये चीजों को होल्ड करके रखने की आदत है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर अपनी नॉर्मल लाइफ में देखें तो इस तरीके से दिखेगा कि कई लोग पुरानी राखियां समेट के रखते हैं, ठीक है। नाउ नॉट गोइंग इन टू द सेंटिमेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको शायद सेंटिमेंटल इशू लगे, बट बहुत सारे लोग होते हैं जो 10 साल पुरानी 20 साल पुरानी रखते हैं, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो शायद पेपर संभाल के रखते हैं कि मैं जब 20 साल पहले वहां गया था ना तो उसने मुझे लिख के दिया था, एंड वो पेपर आप संभाल के रखते हैं। नाउ देर इज नो प्रैक्टिकल वैल्यू इन इट, लेकिन ओसीपीडी से सफर करने वाले लोग पुरानी चीजों को बहुत संभाल संभाल के रखते हैं। मतलब इनके यहाँ अगर आप शायद जाके बोलेंगे कि 10 साल पहले मैंने तुझे एक पेन दिया था वो कहाँ है, या कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो बोलते हैं कि मैंने तुझे जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था तो एक इरेजर दिया था, और दूसरा वाला कहता है कि हाँ ये इरेजर मेरे पास अब तक रखा हुआ। सो नाउ देर आर पीपल जो ओसीपीडी से सफर कर रहे हैं आपकी डे टू डे लाइफ में, वो इतनी पुरानी पुरानी चीजों को भी समेट के रखते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इनफ्लेक्सिबिलिटी। ऑब्वियसली हमने शुरू से ही डिस्कस किया है, इनको चेंजेस नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब अडाप्टेशन करना चेंजेस के प्रति, ये बहुत मुश्किल है इनके लिए, ठीक है। इनका एक रूटीन सेट हो चुका है और इनको वो रूटीन ही चाहिए, मतलब बिल्कुल प्रेडिक्टेड होना चाहिए कि सुबह 8 बजे नाश्ता करना है, 10 बजे अपने ऑफिस के लिए निकल जाना है, 2 बजे वापस खाना चाहिए, और 3 बजे मैं तुमसे फोन पे बात कर लूंगा। रिमेम्बरिंग, अगर किसी को 3 इडियट्स का वो प्रिंसिपल ध्यान है तो वो 8:30 मिनट के लिए ऑपेरा सुनता है, और उसी समय पे आपको बियर्ड बना लेनी उसकी। इट इज समथिंग लाइक दैट कि आप इसका टाइम टेबल फिक्स है, ठीक है, और ये उसी टाइम टेबल के हिसाब से ही चलेगा। एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी कम्स हैंड इन हैंड, ठीक है, क्योंकि ये इनफ्लेक्सिबल है इसीलिए हर चीज को लेके बहुत रिजिड है। इनके यहाँ रेजिस्टेंस है एक छोटे सजेशन को भी लेके, ये हर चीज के लिए ऑब्स्टिनेसी यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक और फिर अगेन एक रूब्रिक आता है माइंड ऑब्स्टिनेट, यहाँ पे स्टबर्ननेस है, ऑब्स्टिनेशन है हर चीज को लेके, इनको नए सजेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगेन गोइंग बैक टू द 3 इडियट्स का प्रिंसिपल कि आके आमिर खान हीरो बन के बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं, ही सेज दैट कि तुम बकवास कर रहे हो, यहाँ से दूर हट जाओ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को रिलेट करने के लिए एग्जांपल दिया जा रहा है कि रिजिडिटी और इनफ्लेक्सिबिलिटी किस तरीके से देखी जा सके। अब इन की फीचर्स को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट इज परफेक्शनिज्म, कि आपको कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है। देयर इज अ डीमन हैंडलिंग अ बोर्ड जिसपे लिखा है नो मिस्टेक्स, आपको कोई गलती नहीं करनी है, इनको हर चीज परफेक्ट चाहिए। इंडिविजुअल जो लोग ओसीपीडी से सफर करते हैं, इन लोगों ने नॉर्मली बहुत हाई स्टैंडर्ड्स रख रखे हैं, चाहे खुद के लिए और चाहे दूसरों के लिए, ठीक है। तो इनको हमेशा लगता है कि जो चीजें होनी चाहिए वो बहुत परफेक्टली होनी चाहिए, ठीक है, और वरना फिर मत ही करो, ठीक है। तो ये वो लोग हो सकते हैं जो चाहे अगर किसी चीज के मैनेजमेंट में घुसे हैं कि ये सेमिनार हम कराएंगे, तो अगर परफेक्टली होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर हम करा ही नहीं रहे, हम जा रहे हैं यहाँ से,
ठीक है, तो इनको हर चीज परफेक्शन चाहिए, और वो परफेक्शन भी ये डिसाइड करेंगे इनके हिसाब से परफेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर चीजें इनके हिसाब से परफेक्टली हो रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये नहीं घुस रहे उन चीजों में, ठीक है। और इस वजह से इनकी लाइफ में हमेशा एक डिससेटिस्फैक्शन होता है, चाहे डिससेटिस्फैक्शन इनकी ओन अचीवमेंट्स को लेके हो और चाहे दूसरों के लिए लेके हो, ठीक है, कि मुझे ये अवार्ड मिला है लेकिन मैं इस अवार्ड से संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि शायद जो मैंने काम किया था उस काम में मैं बहुत खुश नहीं हूँ, ठीक है। अगेन गिव एन एग्जाम्पल फ्रॉम बॉलीवुड, अगर किसी ने आमिर खान का कोई इंटरव्यू सुना हो तो उसमें वो बार बार बोलता है कि मैं अपनी ही मूवीज इसलिए नहीं देखता क्योंकि मुझे मेरा ही रीटेक अच्छा नहीं लगता है, मुझे लगता है कि मैं शायद इससे ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर सकता था, ठीक है। तो खुद का ही जो आपने बेस्ट दिया होगा, जो शायद लोगों को बहुत अच्छा अक्लेम्ड लग रहा है, बट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एन इंडिविजुअल विथ ओसीपीडी मे स्पेंड एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ टाइम ऑन अ टास्क एंड देन राइट अ रिपोर्ट, बार बार इसको रिवाइज करेगा, बार बार इसको एडिट करेगा, और बाद में ये खुद से इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि अगर उनको एक छोटी गलती दिखी ना तो वो बार बार उसको फाड़ फाड़ के फेंकेगा। इट्स लाइक राइटिंग अ परफेक्ट लव लेटर, कि आप एक 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 डॉट नहीं लगा उसको फाड़ो फेंको, फिर एक लिखो और फिर फाड़ो फेंको, मूवीज में बहुत दिखाया जाता है। सो ओसीपीडी का जो स्टैंडर्ड है ना परफेक्शन का, वो उस लेवल पे है कि इसको हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। देन द नेक्स्ट इज ऑर्डरलीनेस, इसको हर चीज एक ऑर्डर्ड पैटर्न में चाहिए। इनको एक स्ट्रॉन्ग नीड है ऑर्डर के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि लाइफ की जितनी चीजें हैं ना वो एक ऑर्डर पैटर्न में हो, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आर्सेनिक का वो वाला रूब्रिक आ जाएगा कि फास्टिडियस क्लीनलीनेस फॉर और क्लीनलीनेस मेनिया। तो इनको हाँ ये चीज है कि कहीं ना कहीं मैं अगर कमरे में घुसूं तो कपड़े इस जगह पे होने चाहिए, मोजे यहाँ होने चाहिए, जूता वहां होना चाहिए, और एक पेंटिंग इस तरीके से अरेंज होनी चाहिए, बट ये सिर्फ कमरे को लेके नहीं है, ठीक है। मतलब दिस इज नॉट एन ओसीडी जहाँ पे सिर्फ कमरे को लेके बात हो रही है, इनको अपनी लाइफ में भी उतना ही ऑर्डरलीनेस चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि इनका एक एक रूटीन सेट है, कि टाइम टेबल बना हुआ है, 8 बजे यहाँ पहुंचना है, 10 बजे यहाँ पहुंचना है, 12 बजे ये करना है, एंड दे आर वेरी मेटिक्यूलस अराउंड इट। कि इनका यहाँ पे वर्ड मेटिक्यूलस अरेंज लिखा है सेकेंड पैराग्राफ अगर आप पढ़ेंगे, कि ओसीपीडी हु मेटिक्यूलसली अरेंजेस देयर डेस्क एट वर्क। यहाँ पे वर्ड मेटिक्यूलस इसलिए यूज किया गया क्योंकि ज्यादातर मेटल्स इसी तरीके के होते हैं, ज्यादातर मेटल्स की लाइफ इस तरीके की होती है कि उनको अपनी लाइफ बिल्कुल एक प्रॉपर अरेंजमेंट के हिसाब से चाहिए। इनका पेपर नीटली स्टैक्ड होगा, इनका पेपर वेट रखने की जगह एक होगी, अगर आप इनके कमरे में या टेबल पे पहुंच के आपने एक फोटो फ्रेम भी डिसअरेंज किया है तो इनको आइडिया होगा, ये वापस अपनी कुर्सी पे पहुंचेंगे तो इनको पता होगा कि ये झूमर यहाँ नहीं था, या ये टेबल नहीं था, ये वेट नहीं था यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा ना इनको आइडिया होता है, ठीक है। देन देयर इज कंट्रोलिंग नेचर, इनका नेचर होता है हर चीज को कंट्रोल करने का, एंड नाउ दिस कंट्रोलिंग इज नॉट ओनली इन देयर इंटरपर्सनल लाइफ, ये होगा ऑल अराउंड देम, कि ये इनके चारों तरफ एक ऑरा बना हुआ कि इनको सब कुछ कंट्रोल करना है, ठीक है, और ये अपना कंट्रोल रेलिंक्विश नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड ही है कि दे ऑफन स्ट्रगल विथ रेलिंक्विशिंग कंट्रोल ओवर सिचुएशन और टास्क, अगर इनके हाथ से कंट्रोल जा रहा है तो इनकी लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है, इनको वो नहीं छोड़ना है, ये हमेशा कंट्रोल में बैठेंगे, ठीक है। मतलब पावर की कुर्सी हमेशा इनके हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। दे मे इंसिस्ट ऑन हैविंग थिंग्स डन देयर वे एंड फाइंड इट चैलेंजिंग टू डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अदर्स, ये किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे ना तो इनको बहुत दुख होगा, ठीक है। ये नहीं चाहते कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के हाथ में जाए, इनको हमेशा चीजें अपने हाथ में चाहिए, चीजें अपने कंट्रोल में चाहिए, ठीक है। और ये चीजों को लेके उतने ही ज्यादा ओवर्टली क्रिटिकल होंगे, ये हमेशा दूसरों की बुराइयां करेंगे या दूसरों में कमियां निकालेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट रूब्रिक आता है माइंड सेंसोरियस, कि ये हमेशा ही दूसरों में कमियां निकालते रहेंगे, इनका कभी भी ये नहीं रहता है कि ये हाँ आपने ये काम परफेक्ट किया है, नहीं, आप यहाँ पे एक अंडरलाइन और लगा सकते थे, आप इस वर्ड को और थोड़ा बोल्ड कर सकते थे, बट ठीक है इससे भी काम चल जाएगा। सो इट इज लाइक दैट, कि ये हर चीज में कमियां जरूर निकालेंगे, मतलब एक एक होता है ना कि द लास्ट वर्ड शुड ऑलवेज बी हिज, तो इनका लाइफ कुछ ऐसा ही होता है कि हमेशा लास्ट वर्ड या लास्ट शब्द इन्हीं का होगा। तो इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, कि कंसिडर कीजिए कि एक ओसीपीडी का पर्सन है जिसने असाइन किया हुआ एक वर्क, एक ग्रुप प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इनको हमेशा इंसिस्टिंग होगा कि चार्ज मेरे हाथ में होना चाहिए, मतलब ग्रुप लीडर तो मैं ही बनूंगा, ठीक है। प्रोजेक्ट किस तरीके का होगा, टास्क किसके हाथ में कौन सा जाना चाहिए वो मुझे बताना है, भले चाहे उसके आगे का काम कैसा भी, मतलब मैं चाहूंगा परफेक्ट हो लेकिन डिक्टेट मैं ही करूंगा, मुझे डिसाइड करना है कि फूल पीले होंगे कि लाल होंगे, और स्टेज किस तरीके का सजेगा, माइक कहाँ लगेगा, पोडियम कहाँ होना चाहिए, लोग किस तरीके से आएंगे, वो सब कुछ मुझे डिसाइड करना है। और अगर ऐसा नहीं होता है देन आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई एम वेरी क्रिटिकल,
और फिर यहाँ पे शायद अपना कूल लॉस्ट कर देंगे, ठीक है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स, कि ये पुरानी चीजों को इस तरीके से होल्ड करके रखते हैं, इनको हर चीज चाहिए, ठीक है? ओसीपीटी का एक अच्छा एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं, ये लोग जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं ना तो इनको सब कुछ चाहिए होता है। आप ओसीपीटी के पेशेंट को कभी शॉपिंग करते हुए जाते हुए देखना, तो इनको डिसाइडेड नहीं होता है कि इनको क्या चाहिए, लेकिन हाँ शायद मार्ट में पहुंच के इनको सब कुछ चाहिए, मतलब शायद चिली गार्लिक सॉस भी चाहिए एंड कोई सैंडविच सॉस होगा तो वो भी चाहिए और मेयोनीज भी चाहिए और सब कुछ चाहिए, ठीक है? और लेकिन शायद घर तक डिसाइडेड नहीं था कि इनको सारी चीजें चाहिए होती। नाउ नॉट प्रेजेंट इन ऑल केसेस, ओसीपीडी के पास होर्डिंग टेंडेंसीज होती हैं, ठीक है? ये हर केस में नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम ओसीपीडीज में चीजें देखी जाती है। यहाँ पे डिफिकल्टी है डिस्कार्डिंग आइटम्स की, इनकी पुरानी चीजों के साथ इनकी वैल्यू सेट है और इनको उन चीजों को डिस्कार्ड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, चाहे उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू बहुत कम हो, ठीक है? इनको ये होता है कि मुझे फ्यूचर यूज के लिए बचा के रखना पड़ेगा, ठीक है? देयर बिहेवियर कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू क्लटर एंड डिसऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग स्पेसेस। तो इस वजह से जो ऑर्डरलीनेस है वो थोड़ा सा बिखरा हुआ हो सकता है, क्योंकि इनको पुरानी चीजें रखने की आदत है, तो इसलिए शायद कहीं ना कहीं आप अगर घुसो तो आपको क्लटर और डिसऑर्गेनाइजेशन दिखे, ठीक है? लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इनको ऑर्डरलीनेस नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में नीचे लिखा हुआ है कि इनको पुराने न्यूज़पेपर या मैगजीन फेंकने में प्रॉब्लम होगी, क्यों? क्योंकि इनको शायद हो सकता है आगे चल के रेफरेंस लेना हो, ठीक है? इनके लिविंग स्पेस में बहुत सारा क्लटर हो सकता है ऐसी चीजों की वजह से जिनका कोई प्रैक्टिकल पर्पस नहीं है, लेकिन इनको चाहिए, ठीक है? और अगर आपने उसको हिला दिया या हटा दिया उस जगह से तो इनका एंजाइटी प्रोवोक हो जाएगा, ठीक है? इनफ्लेक्सिबिलिटी, ये बेंट नहीं हो सकते, ये चेंज नहीं हो सकते, ठीक है? ये कभी भी मतलब अपनी रिजिडिटी नहीं छोड़ सकते। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, दो वर्ड्स हमेशा ही ओसीपीडी में लैक करेंगे। इनका एक रूटीन बना हुआ है, एक प्रेडिक्शन बना हुआ है कि ये इसी तरीके से अपनी चीजों को कर रहे हैं, ठीक है? और अगर आपने उसमें से कुछ भी बिगाड़ा है तो इनकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, ठीक है? इनको एंग्शियसनेस होने लगेगा, इनका डिस्ट्रेस हो जाएगा, ये अनएक्सपेक्टेड चेंजेस को बहुत अच्छे से झेल नहीं पाते हैं। नाउ हियर कम्स द मेडिसिन, कैल्केरिया कार्ब, जहां पे हमने ये देखा हुआ है कि कैल्केरिया कार्ब पे टाइम टेबल सेट है, ठीक है? कैल्केरियाज आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, लेकिन अपनी लाइफ को क्योंकि एक रूटीन के हिसाब से चलाते हुए आ रहे हैं, उस रूटीन की वजह से कैल्केरियाज आर वेरी गुड इन दैट स्पेसिफिक थिंग। अगर कैल्केरिया एक बहुत अच्छा पंक्चर बनाने वाला है तो उस कैल्केरिया को उस पंक्चर बनाने में बहुत अच्छा काम आता है, लेकिन उसके अलावा अगर आपने कुछ काम बोल दिया कि आज इंजन ठीक कर लो या आज एक्सेलरेटर ठीक कर लो, तो शायद वो काम नहीं कर पाएगा। ही इज वेरी गुड इन पंक्चर मेकिंग, ओके? सो कैल्केरियाज यूजुअली एक टाइम टेबल के हिसाब से ही चलते हैं। इमेजिन एन इंडिविजुअल विद ओसीपीडी जो सेम डेली रूटीन फॉलो करता है बिना किसी डेविएशन के, ठीक है? वो हमेशा सेम टाइम पे उठता है, सेम टाइम पे ही टहलने जाएगा, सेम टाइम पे ब्रेकफास्ट कर रहा है और एक रिजिड शेड्यूल है जो फॉलो कर रहा है, ठीक है? अब अगर ये लास्ट मिनट अपॉइंटमेंट चेंज हो गई, ठीक है, या लास्ट मिनट में किसी और ने अपॉइंटमेंट ले ली कि सर मुझे आपसे मिलना है, बहुत जरूरी है, ये चीज आपके लिए शायद बहुत छोटी चीज होगी कि हाँ सर को मुझसे मिल लेना चाहिए था, लेकिन ये उनकी लाइफ में बहुत बड़ा एंग्जाइटी या डिस्ट्रेस कॉज कर देगा कि लास्ट मिनट में मैं कैसे मिल लूं किसी से, ठीक है, मैं क्या बोलूंगा। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ओसीपीटी के साथ हमेशा रहेगा। एंड वही हैंड इन हैंड वर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी इनफ्लेक्सिबिलिटी के साथ आता है रिजिडिटी। ये क्योंकि अपना रूटीन चेंज नहीं करना चाहते, इसलिए स्टबर्न है, रेजिस्टेंट है, और दूसरा अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट या सजेशन नहीं चाहिए, ठीक है? इनको हमेशा लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जिस तरीके से चीजें मैं कर रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ, मैं ही सही हूँ और दूसरे का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन या कोई कोलैबोरेशन नहीं हो सकता, ठीक है? तो इसलिए इनका जो तरीका होता है, इनको हमेशा वही सही लगते हैं, ठीक है? तो यहीं पे फिर मैं फिर से वही वर्ड बोलूंगा कि यहाँ पे वही वर्ड, वो जो रूब्रिक है ना एनार्किस्ट वाला, वो यहीं आता है, फिर ऐसी जगहों पे आता है कि जहां पे आपको लगता है कि हाँ ये डिक्टेटोरियल है, ये एनार्किस्ट है। एग्जाम्पल देखते हैं, कंसिडर अ पर्सन विथ ओसीपीडी जो बिलीव करता है कि देयर वे ऑफ कंप्लीटिंग अ टास्क इज ओनली करेक्ट एंड व्हेन वर्किंग विद अदर्स, ये हमेशा ऑल्टरनेटिव सजेशंस को हटाते जाएंगे या रिफ्यूज करते जाएंगे, ठीक है? इसको ऐसे समझो, ये कहीं ना कहीं इस तरीके से लिया जा सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का ना एक वो होता है, क्या कहते हैं, क्वेश्चन आयर होता है, ठीक है? तो अगर किसी ने सिर्फ एक क्वेश्चन आयर पढ़ा हुआ है, कोई एक पर्टिकुलर, जैसे मेंटल में मान लो मैंने DSM-5 ही पढ़ा हुआ है, ठीक है, मुझे और कोई पता ही नहीं, तो अब अगर मैंने सिर्फ DSM-5 पढ़ा हुआ है और आप मेरे सामने इंटरनेशनल अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ साइकियाट्रिस्ट का क्वेश्चन आयर लेके आ जाएंगे, तो फिर मैं यही कहूंगा कि नहीं ये तो अच्छा है ही नहीं, DSM-5 इज वर्ल्ड नोन एंड यू शुड यूज DSM-5, ठीक है? ग्लासगो कोमा स्केल में उसको समझने के लिए सिर्फ एक ग्लासगो ही नहीं है, और भी बहुत सारे कोमा स्केल हैं। अगर मुझे सिर्फ ग्लासगो पता है तो मैं किसी और को क्यों मानूंगा, ठीक
ठीक है, तो इट इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट कि मैंने शुरू से क्योंकि चीजों को इसी तरीके से किया है तो मुझे इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है, और बाद में फिर ये इस तरीके से सेटल हो जाएगी कि मतलब लोग इस तरीके से बात करते हैं कि अलमारी अगर ऐसे सेट है तो इसको इसी तरीके से रखना है, ये बिस्तर इस तरीके से है तो इसको ऐसे ही रखना है। आपने अगर इनके कमरे का बिस्तर भी जैसे ऐसे बोल दिया ना कि वास्तु दोष है, आपको उत्तर नहीं पश्चिम करके सोना है, नाउ देयर लाइफ कैन बिकम हेल, आप ऐसे नहीं कर सकते, उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। इसके अलावा कुछ और की फीचर्स देख लेते हैं, क्योंकि इनका जो एक ऑर्डरलीनेस है वो है, तो इस वजह से इनका क्योंकि इनको हर चीज परफेक्ट चाहिए, तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, एक्सेसिव डिवोशन टू वर्क, इनको अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा डिवोशन हो जाता है, तो यहाँ पे रूब्रिक आता है वर्कोहॉलिक, ठीक है, कि इनको अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा डिवोशन होता है, देन कम्स द मेडिसिन नक्स वोमिका कि मतलब अपने काम में ही घुसा रहना है, अपने काम को करना है, अपने काम को किसी तरीके से अचीव करना है, जो गोल दिया गया वो किसी भी तरीके से मुझे पूरा करना है, ठीक है। द सेकेंड इज ऑलवेज डिफिकल्टी विद डिसीजन मेकिंग, अब डिफिकल्टी डिसीजन मेकिंग में क्यों आ रही है, क्योंकि चीजें परफेक्ट नहीं है और मेरा टाइम डेट कंप्लीट हो चुका है, नाउ हियर ऑल्सो कम्स द मेडिसिन नक्स ओमेगा, क्यों, क्योंकि इसको ऐसे समझो, अगर मान लो मेरे मैनेजर ने मुझे कोई काम दिया है कि ये काम 28 तारीख तक तो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, और मेरे पास वर्कलोड ज्यादा था तो इसलिए मैंने जिसको ये काम दिया था मैंने उसे चेक नहीं किया कि काम किस तरीके से कंप्लीट होगा, एट द एंड डे मैंने ये देखा कि काम उतने अच्छे से नहीं है, तो मेरे परफेक्शन के लेवल से तो है नहीं, मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, अब मैं इसको कैसे कंप्लीट करूं, तो डिफिकल्टी होगी डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, या फिर बहुत सारे अगर ऑप्शंस मिले ना तो उतने सारे ऑप्शन, जैसे मैंने ग्लासगो कोमा स्केल का एग्जांपल दिया कि मान लो कोई और कोमा स्केल मुझे दे दिया गया जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो अब मेरे पास डिफिकल्टी होगी कि मैं ऑप्शन बी सी और डी कैसे चूज करूं, मुझे तो सिर्फ ए पता ही है, ठीक है, तो देर इज ऑलवेज डिफिकल्टी विथ डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल रिजिडिटी, क्योंकि शुरू से कंजर्वेशन चल रहा है हर चीज को, तो इस वजह से बहुत मेटिक्यूलस है एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के लिए, रूब्रिक आएगा माइंड माइजर, ठीक है, या माइजरली का एक रूब्रिक है कि हर चीज को खर्चा करने को बहुत मतलब फिर रहता है कि नहीं इतना ज्यादा पैसा नहीं खर्चा करना चाहिए, क्योंकि शुरू से इनके साथ जो चीजें हुई हैं ये वैसे ही चीजों को चलाएंगे। नाउ अगेन गिविंग एग्जाम्पल ऑफ पेरेंट्स की होता है ना कि हमारे जमाने में हम 100 रुपए में कर लेते थे, तुम्हें तो मैं फिर भी 500 दे रहा हूँ, ठीक है, सो इट इज लाइक मिडिल क्लास पेरेंट्स वाला हिसाब है कि फाइनेंशियल रिजिडिटी तो हमेशा रहेगी ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने चीजों को एक सर्टेन वे से किया है, ठीक है, अगर इनके यहाँ भी मतलब ये चीज होता ना कि शुरू से खर्चे हो रहे हैं अच्छे अच्छे खासे तो ये भी फिर कर रहे होते। देन देयर इज प्री ऑक्यूपेशन विथ रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑब्वियसली क्योंकि हम इनफ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी की बात कर रहे हैं तो रूल्स और रेगुलेशन बहुत फिक्स होने वाले हैं कि ये रूल्स और रेगुलेशन से बिल्कुल अढेर हो जाते हैं, चिपक जाते हैं कि नहीं आपको 8 बजे उठ जाना है, आपको 6 बजे टहलने जाना है, आपको घर में 9 बजे तक आ जाना चाहिए, और ये रूल्स अगर टूट रहे हैं ना तो फिर वो जो प्रॉब्लम है ना वो सारी की सारी आ जाएगी। डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग अफेक्शन, नाउ ये क्यों आ रहा है इसको समझिए, अगर डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग अफेक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि वॉर्म अफेक्शन इमोशन एक ऐसी चीज है जो कंट्रोल में नहीं हो सकती, ठीक है, मुझे आज सडनली रोना आ रहा है तो सामने वाला जो चाहे उसी पीटी से सफर कर रहा है मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो मुझे चुप कराए, ठीक है, जैसे अगर मान लो कोई है जो पल्सेटिला है जहां पे रूब्रिक है सल्किंग, ठीक है, तो अगर कोई सल्किंग बंदा है जिसको रोना आ रहा है और वो चाह रहा है कि मुझे कॉन्सोलेशन डिजायर है और सामने वाले को अफेक्शन शो करना पड़ेगा, लेकिन उसकी लाइफ तो ऐसे चलती आ रही कि 6 बजे उठना है, 8 बजे खाना खाना है, इसमें रोना और चुप कराने का तो कहीं मेंशन ही नहीं है, तो कैसे कराऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आती है डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग अफेक्शन, ठीक, कि क्योंकि एक लॉजिक रीजनिंग नहीं है तुम्हारे रोने पे, क्योंकि 4 साल के बच्चे को क्या पता कि वो रो रहा है तो क्यों रो रहा है, ठीक है, लेकिन हम चुप नहीं करा सकते, हमें तो प्रॉब्लम होने वाली है उस चीज में, तो इसलिए अफेक्शन डिस्प्ले करने में प्रॉब्लम होगी। देन देयर इज परसिवरेशन, परसिवरेशन क्यों, क्योंकि हम परसिवरेंस हैं, हम हर चीज के जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं हम उस चीज को कंप्लीट करेंगे, ओसीपीटी के साथ ये चीज होता है, इसीलिए लिखा है कि डिवोटेड टू वर्क लिखा है परफेक्शनिज्म, क्योंकि ये परसिवरेंस है, इनको हमेशा ही फिक्सेटेड रहते हैं कि चीजें मतलब छोटी छोटी डिटेल कैसे करनी है, ये हमेशा इनके साथ फिक्स रहेगी। लैक ऑफ इनसाइट, इनके साथ इनसाइट नहीं होता, ठीक है, कि आगे चल के रिकॉग्नाइज करना थॉट्स और बिहेवियर को, वो इनसाइट इनके साथ मिसिंग है, ठीक है। अनलाइक इंडिविजुअल्स विद ओसीडी हु ऑफन रिकॉग्नाइज दैट देयर थॉट्स एंड बिहेवियर्स आर इरेशनल और एक्सेसिव, क्योंकि ओसीडी को कई जगह पे पता चल जाता है कि वो जो थॉट्स हैं वो इरेशनल है एक्सेसिव है, ओसीपीडी के साथ ये चीज नहीं है, ठीक है, उसको इनसाइट नहीं मिलता, उसको चीज नहीं समझ में आती है कि वो जो चीजें कर रहे हैं वो एक्सेसिव है या क्या है, ठीक है, दे मे परसीव देयर रिजिड एंड परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज आर नेसेसरी,
तो ये अगर कहीं लड़ रहे हैं या किसी पे डिक्टेट कर रहे हैं और किसी को सुना रहे हैं, तो इनको ये चीज हमेशा ही इंपॉर्टेंट लगेगी, ठीक है? तो इनकी रिजिडिटी इनको गलत नहीं लग सकती कभी भी। अब आइए एक बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं कि ओसीडी और ओसीपीडी में क्या बेसिक डिफरेंस है। सो लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। तो ओसीडी और ओसीपीडी में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? फर्स्ट है नेचर ऑफ ऑब्सेशन एंड कॉम्पल्शन का, ठीक है? ओसीडी के साथ ऑब्सेशन जो होते हैं वो इंट्रूसिव होते हैं, अनवांटेड थॉट हो सकता है, इमेज हो सकता है, अर्ज हो सकता है जो कि सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस या एंग्जाइटी कॉज कर रहा है, ठीक है? कंपल्शन ऑन रिपीटेटिव बिहेवियर का, वो मेंटल एक्ट का जो इंडिविजुअल फील कर रहा है कि मुझे ये काम करना ही पड़ेगा बार बार, ठीक है? और वरना एक फियर्ड आउटकम आएगा, ठीक? तो ओसीडी के साथ ऑब्सेशन होता है एक इंट्रूसिव थॉट का, एक थॉट कि मुझे बार बार हाथ धुलना है, अगेन गोइंग बैक टू कैल्केरिया कार्ब, कि इसको क्योंकि एक रूब्रिक है कि फियर ऑफ वायरल डिजीजेस, कुछ ऐसे करके एक रूब्रिक है, ठीक है? तो कैल्केरिया कार बार बार हाथ इसलिए धो रहा है क्योंकि उसको डर है कि मुझे कहीं कोरोना ना हो जाए, ठीक है? तो उसका ओसीडी उस तरीके का होगा कि उसको बार बार हाथ धुलना ही पड़ेगा, वरना उसको क्या आउटकम का डर है कि मुझे कोरोना हो जाए, ठीक है? और वहीं ओसीपीडी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। ओसीपीडी के साथ बहुत फिक्स चीजें हैं कि मुझे परफेक्शनिज्म चाहिए, मुझे रिजिडिटी चाहिए, मुझे मेरी चीजें मेरे अकॉर्डिंग करनी है, मेरी इस लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है? तो इनका उस तरीके से चीजें रहेगा। इनका जो थॉट पैटर्न है वो ईगो सिंटोनिक हो सकता है, मतलब कि वो कंसिस्टेंट हैं, वो अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से जानते हैं और वो उस तरीके से चीजें करेंगे, उनको कोई डिस्ट्रेस नहीं, ठीक है? अपनी लाइफ में कोई चेंजेस प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब अगला आता है इनसाइट डिस्ट्रेस। इस टॉपिक को भी अभी हम लोग जस्ट एक स्लाइड पहले समझे हैं, तो इसको दोबारा से समझते हैं। इनसाइट और डिस्ट्रेस क्या है? ओसीडी को पता होता है कि वो जो चीजें कर रहा है वो कुछ ज्यादा ही है, वो थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है, ठीक है? जैसे क्लिनलीनेस मेनिया फॉर्म में रूब्रिक में आर्सेनिक है, ठीक है? आर्सेनिक को चीज पता है कि वो जो हाथ धुल रहा है या बार बार सफाई कर रहा है ना, वो थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है। ओसीपीडी को नहीं पता है, ओसीपीडी को बिल्कुल ये चीज है कि जो मैं कर रहा हूँ वो जरूरी है, और ये चीज अगर इस तरीके से नहीं सर आपकी स्लाइड शो नहीं हो रही। हाँ, ये सडनली पता नहीं कैसे लॉग आउट हुआ है, क्या हुआ? एक सेकेंड, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अभी ठीक है? ठीक हाँ जी सर। है, ये पता नहीं सडनली लॉग आउट कैसे हुआ मैं। ठीक है, वापस आते हैं। तो इनसाइट और डिस्ट्रेस डिस्कस कर रहे थे हम लोग। ओसीडी को बेसिकली आइडिया होता है कि जो वो चीजें कर रहा है ना, वो थोड़ी सी ओवर द नॉच है। वो जो बार बार अपना हाथ धुल रहा है, वो जो बार बार चीजें कर रहा है, वो थोड़ी सी ओवर द टॉप है। ओसीपीडी को इस चीज का कोई आइडिया नहीं होता है। ओसीपीडी इज लाइक कि ये जो चीजें मैं कर रहा हूँ, ये इस कल्चर को चलाने के लिए, चीजों को इस तरीके से करने के लिए बहुत जरूरी है और मुझे ये इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है? तो ओसीडी और ओसीपीडी का, इनसाइट और डिस्ट्रेस का बेसिक डिफरेंस रहेगा कि ओसीडी को इरेशनल और एक्सेसिव लग रहा है, बट फिर भी वो कर रहा है। ओसीपीडी को उसका कुछ भी इरेशनल नहीं लग रहा है, उसको पता है कि मेरा पर्सनालिटी ट्रेट है और मैं इसी तरीके का रहूं। ऑनसेट एंड कोर्स, ऑनसेट एंड कोर्स अगर समझें तो ओसीडी का जो बेसिक प्रॉब्लम है वो सिम्टम्स टिपिकली चाइल्डहुड से ही आ जाते हैं, ठीक है? चाइल्डहुड में भी आ सकते हैं, एडोलेसेंस में या अर्ली अडल्टहुड में आ सकते हैं। तो ये बेसिकली वैरी करते हैं एज पर सिवियरिटी, ठीक है? ओसीपीडी वाले अर्ली अडल्टहुड में जब इन्होंने समझा कि टास्क को कैसे कंप्लीट करना है या चीजों को किस तरीके से हैंडल करना है, उसी समय पे इनकी ये चीज आ चुकी थी और अब ये इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक है? तो अगर हम ओसीपीडी को समझें तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ये प्रॉब्लम अर्ली अडल्टहुड में आ गई थी, जब इन्होंने बेसिकली सिम्टम्स को, सॉरी, जब इन्होंने बेसिकली स्टिमुलस को लेना शुरू किया था, ठीक है? कि टास्क को करना है, काम को कंप्लीट करना है, एक जॉब में ऐसे टास्क मिलते हैं, तो जब इनको ये चीजें मिलनी शुरू हुई थी, इनको तभी समझ में आ गया था। ओसीडी के साथ ये हो सकता है कि जैसे मान लो जब कोरोना चला तो मुझे 2020 में पता चला कि भैया हाथ धुलना जरूरी है, धीरे धीरे मेरी हैबिट में बन गया। अब 2024 है, कोरोना का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन मुझे हाथ धुलने की आदत है, ठीक है? तो ये वाला बेसिक डिफरेंस ओसीडी और ओसीपीडी में आता है। लास्ट इज ट्रीटमेंट अप्रोच। जब ओसीडी की बात करेंगे तो साइकोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? साइकोथेरेपी मतलब
आपको दो चीजों को जोड़ना पड़ेगा, एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, क्योंकि बिहेवियरल प्रॉब्लम है, ओसीडी क्या है, बिहेवियर का प्रॉब्लम है, तो बिहेवियरल थेरेपी तो समझना पड़ेगा, लेकिन साथ में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि एक्सपोजर और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन क्या होगा। ठीक है, अगेन गोइंग बैक टू कोरोना, मुझे बार बार हाथ धुलने की आदत है अगर, ठीक है, तो एक तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में हमको ये समझाया जाएगा कि बार बार हाथ धुलना इज नॉट द करेक्ट थिंग टू डू, ठीक है, लेकिन साथ में रिस्पॉन्स प्रिवेंशन भी समझाया जाएगा कि एक काम कीजिए, आप अपने घर में सैनिटाइजर रखिए, जब कहीं बाहर से आइए तो अपना हाथ सैनिटाइज कर लीजिए, एंड वन टाइम वुड बी इनफ, ठीक है। सो दैट वुड बी इसका एक एग्जाम्पल दिया कि साइकोथेरेपी इस तरीके की हो सकती है, ठीक है। जबकि ओसीपीडी में साइकोथेरेपी भी होगा, प्राइमरली कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी होगा, और बाद में अगर मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनकी चीजें अगर बिगड़ेंगी तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन आएगा, तो वहां पे मेडिसिनल हेल्प की भी जरूरत पड़ेगी। एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी बेसिकली ये बताते हैं कि पढ़ना जरूरी क्यों। अब तक हम जितनी मेंटल डिजीज पढ़ रहे थे, क्योंकि जब हमने टाइप 2 पढ़ा था, क्लस्टर बी की मैक्सिमम परसेंटेज थी 3%, जो कि हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की थी, कि 1 से 3% हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर दिखता है। ओसीपीडी की सबसे ज्यादा है, ये 2 से 8% दिख सकता है जनरल पॉपुलेशन में, ठीक है। तो अगर हम 8 लाख लोगों की बात कर रहे हैं, तो उसमें से 8% लोग एपिडेमियोलॉजी में इससे सफर कर सकते हैं, ठीक है। जेंडर डिफरेंस की बात करें तो ये मेन में ज्यादा कॉमन है इन कंपैरिजन टू वुमेन, बिकॉज अगर हम फिर से हम बार बार अपने गार्जियंस के एग्जांपल दे रहे हैं, तो फादर्स यूजुअली चीज से ज्यादा सफर करते हैं इन कंपैरिजन टू मदर्स, वो बेसिकली चीजों को समझने वाली होती हैं इन कंपैरिजन टू फादर्स, जहाँ पे वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं कि नहीं ये चीज ऐसे बदलेगी ही नहीं, ठीक है। तो जेंडर डिफरेंस हमें घर में भी देख के समझ में आ रहा है कि बेसिकली मेन ज्यादा सफर कर सकते हैं इन चीजों से इन कंपेरिजन टू वुमेन। एज ऑफ ऑनसेट की बात करें तो ये अर्ली अडल्टहुड में दिखेगा, क्यों, क्योंकि बेसिकली उनको जो स्टिमुलस है, क्योंकि परफेक्शनिज्म और अपने काम में क्लैरिटी चाहिए, क्लीनलीनेस चाहिए, तो वो सारी चीजें कब आ रही हैं, जब आपको बेसिकली दुनिया देखने को मिल रही है, जो कब मिलती है 18 के बाद, ठीक है, 19, 20, 21, एक ऐसा टाइम जब आप बार बार स्टिमुलस को देख रहे होते हैं, तभी आपको ये समझ में आ रहा होता है कि अच्छा चीजों को इस तरीके से भी किया जा सकता है, चीजों में ऐसा परफेक्शन जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए अर्ली अडल्टहुड यूजुअली मतलब देखा जाता है। देन द नेक्स्ट इज कोमॉर्बिडिटी। व्हाट इज कोमॉर्बिडिटी, कोमॉर्बिडिटी क्या होगा कि इसके साथ और भी चीजें हो सकती है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली क्या हो सकता है, मूड और एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर चीजें उसके हिसाब से नहीं हुई तो उसको एंग्जाइटी होगी, उसके मूड डिसऑर्डर्स होंगे, वो जो अभी बहुत हंस खेल रहा था और चीजें गिर गई, आपने उसका वास तोड़ दिया, तो वो चिल्लाएगा, तो मूड और एंग्जाइटी डिसऑर्डर उस हिसाब से हो सकते हैं उसको। कॉजेज, क्या कॉज देखा जा सकता है ओसीपीडी के लिए, ऑब्वियसली हर मेंटल डिसऑर्डर में कोई फिक्स कॉज तो होता नहीं है, यहाँ पे भी फर्स्ट चीज लिखी हुई है कि कोई मतलब ऐसा फुल्ली अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन जेनेटिक हमेशा होता है। हमने टाइप 2 में, क्लस्टर 2 में सब में पढ़ा था कि अगर फादर और मदर दोनों किसी मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, तो बच्चे को होने के चांसेस ज्यादा है। सेम चीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर यहाँ पे भी रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। बायोलॉजिकल फैक्टर, जब हमने लास्ट पढ़ा था बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो भी हमने चीज पढ़ी थी कि अगर हम ऐसे इंसान के ब्रेन का सीटी और एमआरआई करेंगे, तो हमें ये दिखेगा कि जिस ब्रेन के पार्ट से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं या इमोशनल रेगुलेशन करते हैं, वहां पे थोड़ा सा क्या कहते हैं मतलब ओवर एक्टिविटी दिखेगी। इन्वायरमेंटल फैक्टर, ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब हम आगे साइकोलॉजी भी पढ़ेंगे, टाइम तो कमी है, जब साइकोलॉजी भी पढ़ेंगे तो भी चीज देखेंगे कि अगर किसी का फादर या मदर बहुत कंट्रोलिंग था और उन्होंने शुरू से आपको परफेक्शन के लिए ही बोला, जैसे अगेन कमिंग बैक टू फादर और सन का टॉपिक, मिलिट्री ब्रेट्स में अगर आप देखिए, जहाँ पे फादर आर्मी में है और बच्चे होते हैं, तो वहां पे ये चीज हो जाती है, सुबह 4 बजे उठो, सुबह 6 बजे ये कर लो, 8 बजे खाना खा लो, 10 बजे, क्योंकि शुरू से रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चला है, तो वो इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत मैटर करता है कि हाँ अब आपको आदत पड़ गई कि आपको चीजें इसी तरीके से करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो वो इन्वायरमेंटल फैक्टर हमेशा ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या समझाता है कि आपको एक ट्रॉमा मिला और आपने उस ट्रॉमा को कैसे हैंडल किया, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर हमेशा मतलब कर सकता है, मतलब चीजों को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। सर्टेन पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड कोपिंग स्टाइल्स मे इंक्रीज टू द रिस्क ऑफ डेवलपिंग ओसीपीडी, तो इन्होंने भी कोई डायरेक्ट ऐसा बोला नहीं है, बस ये बता रहे हैं कि हाँ ये चीज इंटरकनेक्टेड हो सकती है। कॉग्निटिव फैक्टर्स, कॉग्निटिव फैक्टर्स क्या होते हैं कि एक मैल अडेप्टिव थॉट पैटर्न है जो बहुत लंबे समय से चल रहा था आपकी लाइफ में, आपने एक बिलीफ था जो मान लिया था कि ये इसी तरीके से होना चाहिए, तो अगर आप उस बिलीफ को पकड़ के रखोगे और कभी नहीं छोड़ोगे, तो वो बिलीफ वैसे ही रहेगा। जैसे एक रूब्रिक है, डेल्यूजन
रैग्स फील्स एज इफ सिल्क, ठीक है, यूजलेस रैग्स फील्स एज इफ सिल्क, तो वो डेल्यूजन है, वो एक फॉल्स बिलीफ है जो उस आदमी ने अपनी लाइफ में बना लिया है, और वो जब तक उस फॉल्स बिलीफ को नहीं छोड़ पाएगा वो उस चीज से आगे नहीं बढ़ पाएगा। सिंगल मेडिसिन है सोब्रिक में, सल्फर से डेल्यूजन में। साइकोलॉजिकल थ्योरीज, हमेशा ही साइकोलॉजिकल थ्योरी समझना जरूरी हो जाता है कि क्या क्या थ्योरी समझाई गई थी इस चीज को लेकर। ओसीपीडी को लेकर फर्स्ट थ्योरी जो समझाई गई थी वो थी साइकोडायनामिक थ्योरी। साइकोडायनामिक थ्योरी ये कहती है कि चाइल्डहुड में जो आपने झेला है, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में जो आपको एक्सपीरियंस मिला है उसी ने आपकी पर्सनालिटी को फॉर्म किया है। ये हमने पिछले टाइप बी में सब में ये पढ़ा था, इसलिए अब तो ये समझ में आ चुका है कि साइकोडायनामिक थ्योरी हमेशा ही बचपन की बातें करती है कि आपका एक अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट है या फिर आपने अपने बचपन में कोई चीज झेली है तो आप उसी तरीके से बढ़ते जाओगे। जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर आपके फादर मिलिट्री में थे और शुरू से वो उस हिसाब से चले कि एक टाइम टेबल के हिसाब से आपको चीजें करवा रहे हैं, तो एक आपका डिफेंस मैकेनिज्म बन चुका है कि हाँ ये चीजें इस तरीके से कर लो वरना के गुस्सा आ जाएगा। अब आप आगे चलते जाओगे आपको ये समझ में आएगा कि इरेशनल गुस्सा इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज गुड, बिकॉज लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ तुम्हारे पापा बोल रहे हैं तो कर लो, तो फिर उस तरीके से आपको भी वो आदत हो जाती है कि अच्छा ठीक है इरेशनल गुस्सा इज फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो साइकोडायनामिक थ्योरी उस तरीके से बात करती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी क्या बोलती है कि जब आपको समझना था, कॉग्निशन बेसिकली प्रॉब्लम क्या है आपकी कॉग्निशन में, आपके बिलीफ में, आपने किसी एक अनरियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन को या किसी चीज को बिलीव कर लिया, पकड़ लिया उस चीज को, और अब आप उस चीज को नहीं छोड़ पाएंगे। प्रपोज दैट मैल अडेप्टिव थॉट पैटर्न बिलीफ कॉन्ट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ओसीपीडी। तो बेसिकली वो इंडिविजुअल्स जिन्होंने एक रिजिड या परफेक्शनिस्ट बिलीफ को पकड़ लिया और अब उस चीज को नहीं छोड़ पा रहे, वर्ल्ड मतलब अपने चारों तरफ देख रहे हैं और उसी हिसाब से चलते जा रहे हैं, तो इस वजह से उनकी लाइफ में वो चीज रह जा रही है। द नेक्स्ट इज लर्निंग थ्योरी। वॉट इज लर्निंग थ्योरी? ओसीपीडी मे बी लर्न थ्रू इन्वायरमेंटल री इन्फोर्समेंट एंड कंडीशनिंग। देखो ये लर्निंग थ्योरी कहीं ना कहीं जो मिलिट्री वाला एग्जाम्पल है उससे मैच कर जा रहा है कि साइकोडायनामिक थ्योरी में आपने बचपन में चीज देखी, लर्निंग में भी सेम चीज बोल रहा है कि अगर इन्वायरमेंटल री इन्फोर्समेंट मतलब आपका जो इन्वायरमेंट है उसने आपको री इन्फोर्स किया है और कंडीशन किया है कि आपको हर चीज परफेक्ट करनी पड़ेगी, ये चीज परफेक्ट नहीं है, आपको 98% लाना है नहीं तो मारेंगे, आपको 100% लाना है नहीं तो ट्रॉफी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर री इन्फोर्समेंट और कंडीशनिंग उस हिसाब से हुई है तो आपको ओसीपीडी होने के चांसेस होंगे। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है, ये साइकोडायनामिक थ्योरी से ही मैच कर रहा है। अटैचमेंट थ्योरी, अटैचमेंट थ्योरी प्रपोज करता है कि अर्ली अटैचमेंट जो होता है वो प्राइमरी केयर गिवर से होता है, ठीक है, आपके जो फादर और मदर है, तो आपकी लाइफ का जो बेसिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है वो उन केयर गिवर से अटैचमेंट की वजह से ही होता है, ठीक है। तो अगर आप इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में थे, इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल का मतलब कि आप जिनके साथ क्लोजमेंट में थे वो अबैंडन करके रखे थे आपको, ठीक है, उन्होंने छोड़ दिया था, वो आपको तभी अटेंशन देते थे जब आपने कोई चीज बहुत परफेक्ट की हो। जैसे अगर आप 60% लेके आ रहे हो तो आपसे कोई बात नहीं कर रहा है घर में, लेकिन अगर आप 98% लेके आ रहे हो तो आपके साथ इंस्टाग्राम पे सेल्फी खींच के डाली जा रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट द जेन जी जनरेशन, जहां पे एक ऐसी जनरेशन है जो सोशल मीडिया पे आपको तब प्रेज करती है जब मदर्स डे आता है, बाकी 364 दिन मम्मी लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन 365वें दिन मम्मी लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज इट्स मदर्स डे ऑब्वियसली, ठीक है। तो अटैचमेंट थ्योरी क्या बोल रहा होता है कि आपको जो जो गिफ्ट मिले, रिवॉर्ड सिस्टम की बेसिकली बात हो रही है कि वो रिवॉर्ड तब मिले जब आपने कोई चीज अच्छी करी, और जब अच्छी नहीं करी तो किसी ने पूछा भी नहीं, ठीक है। तो आपने वो जो परफेक्शन का वो जो गेम था ना वो इसलिए अपना लिया ताकि आपको वो अटेंशन मिल सके, ठीक है। तो अटैचमेंट थ्योरी इसको समझा रही होती है। इसका जस्ट ऑपोजिट है होम्योपैथी मेडिसिन है मार्बल वाइट, ठीक है। मार्बल वाइट बेसिकली उल्टी चीजें इसलिए करता है क्योंकि उसको पता है कि मैं ऐसे उल्टा करूंगा तो ही मुझे लोग अटेंशन देंगे, मुझ पर हंसेंगे, ठीक है। तो वो उस तरीके से समझाया जा सकता है। द नेक्स्ट इज पर्सनालिटी थ्योरी। पर्सनालिटी थ्योरी बेसिकली फाइव फैक्टर मॉडल की बातें करता है और इसमें हर पर्सनालिटी ट्रेट के लिए एक अलग अलग डेफिनेशन है, ठीक है। इंडिविजुअल्स जिनको ओसीपीडी है, ये ऊपर से चौथी लाइन पढ़िएगा, इंडिविजुअल्स जिनको ओसीपीडी है इनका स्कोर हाई आएगा ऑन द मेजर ऑफ कॉन्शियसनेस रिफ्लेक्टिंग देयर परफेक्शनिस्टिक एंड डिटेल ओरिएंटेड नेचर। तो फाइव फैक्टर मॉडल बेसिकली एक स्कोर सिस्टम है, ठीक है, जहां पे स्कोर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने मतलब आपका जो नेचर है वो किस तरीके का है, ठीक है। ओसीपीडी वालों का स्कोर सबसे ज्यादा आएगा क्योंकि इनका जो परफेक्शनिज्म है, क्योंकि इनको हर चीज में परफेक्शन चाहिए, तो इस वजह से इनका स्कोर थोड़ा सा ज्यादा आएगा क्योंकि इनका डिटेल्ड ओरिएंटेड नेचर ही होता है। डायग्नोसिस, देखिए
डायग्नोसिस हमेशा मेंटल डिजीजेस में ऐसा तो होता नहीं कि आपने सीटी करा लिया और एमआरआई करा लिया और कुछ निकल जाएगा, ठीक है। मेंटल डिजीजेस में हमेशा डायग्नोसिस किसके बेसिस पे होता है, असेसमेंट टूल्स के बेसिस पे होता है। यहाँ पे अगर कोई रिसर्च का स्टूडेंट है तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ये जो 6 क्वेश्चन आयर्स लिखे हुए हैं ये बेसिकली क्वेश्चन आयर्स हैं, ये बताने के लिए कि आप कौन कौन से क्वेश्चन आयर्स यूज कर सकते हो ओसीपीडी के केसेस को टैकल करने के लिए। इट इज ओसीपीडी स्केल, इट इज PDQ-4 स्केल, इट इज SEID, MCMI-4, MMPI-2 एंड PID-5, ठीक है। तो ऐसे ये 6 क्वेश्चन आयर स्केल्स हैं जो ओसीपीडी के केसेस में यूज किए जा सकते हैं। बट मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमेशा DSM-5 होता है। DSM-5 क्या करता है, 3 पॉइंट्स में डिवाइड करता है कि इन 3 पॉइंट्स में आप क्वेश्चन पूछिए ओसीपीडी के केसेस में, और इन 3 में से आपको जितने पे टिक करते जाओगे आपके यहाँ पेशेंट में ये है ये है ये है ये है, तो आप उन सब चीजों के लिए उसको ओसीपीडी में डायग्नोज कर सकते हो। फर्स्ट इज वॉट, DSM-5 खोल रखा है मैंने, इसको देख लीजिए, ये पूरा डिटेल में है, इतना सारा डिस्कस नहीं करेंगे। DSM-5 में बेसिकली फर्स्ट इज वॉट कि आप ऑर्डरलीनेस, परफेक्शनिज्म, मेंटल और इंटरपर्सनल कंट्रोल में किस तरीके से हो, ठीक है। तो अगर प्री ऑक्यूपाइड विद डिटेल्स, रूल्स, लिस्ट, ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्डर हर चीज में हो तो इसमें +1। शोज परफेक्शनिज्म दैट इंटरफियर्स विद टास्क कंप्लीशन तो +1। एक्सेसिवली डिवोटेड टू वर्क एंड प्रोडक्टिविटी टू द एक्सक्लूजन तो +1। तो इस तरीके से हर वो टॉपिक जहां पे आप परफेक्शन में मैटर करते जाओगे और जितने जितने टॉपिक आप कवर करते जाओगे हर चीज में +1 +1 होता जाएगा। देन द सेकेंड इज कि मेंटल इंटरपर्सनल कंट्रोल में और आपकी पर्सनल लाइफ में, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी में कितना चेंजेस आ रहा है, ठीक है। पिछला था परफेक्शनिज्म में, आपकी लाइफ में मतलब आप कितना परफेक्शन देखते हो, ठीक है। सेकेंड है फ्लेक्सिबिलिटी में कितना फर्क आता है, जैसे इज अनेबल टू डिस्कार्ड वॉर्न आउट और वर्थलेस ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो हमने होल्डिंग वाला वर्ड यूज किया था। इज रिलक्टेंट टू डेलीगेट टास्क और टू वर्क विद अदर्स, ठीक है, कि किसी और के साथ काम करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये चारों पॉइंट्स आपकी सोशल लाइफ के लिए पूछ रहा है बेसिकली, ठीक है। एंड द थर्ड इज प्री ऑक्यूपेशन विद परफेक्शनिज्म इन द फॉलोइंग ऑर्डर, कि अगर डिटेल्स, रूल्स, लिस्ट, ऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशन और शेड्यूल के बिना आपका काम नहीं हो रहा है, अगर आपकी जो परफेक्शनिज्म है वो टास्क कंप्लीशन में रास्ते में रोड़ा बन रही है, आप कुछ ज्यादा ही डिवोटेड है अपने वर्क और प्रोडक्टिविटी को लेके, और या फिर ओवर कॉन्शियस है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इन चीजों को कवर कर रहे हैं। फर्स्ट क्या था, ऑर्डरलीनेस, परफेक्शनिज्म, मेंटल एंड इंटरपर्सनल कंट्रोल की वजह से आपका जो बिगनिंग ऑफ अर्ली अडल्टहुड है उसमें क्या क्या चीजें आपको दिखी, ठीक है। तो फर्स्ट वो था कि आप कितने ओवर कॉन्शियस हैं, आप कितने लिस्ट बनाते हैं, आपने मतलब माइजरली स्पेंडिंग करते हैं या बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं, तो वो सारी चीजें फर्स्ट में थी कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या क्या चीजें कर रहे हैं। सेकेंड उस चीज से थोड़ा सा अलग है, सेकेंड क्या बोल रहा है कि आपकी ये लाइफ, मतलब आपका ये लाइफ दूसरों पे क्या अफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। और थर्ड इज कि आप इससे अपनी लाइफ कितनी अफेक्टेड मानते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके से 3 पार्ट में DSM-5 आपसे क्वेश्चन पूछता है, और इसमें जितना स्कोर आता है उस हिसाब से सेटल किया जाता है कि आपको पर्सनालिटी मतलब सॉरी ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या नहीं। नेक्स्ट इज मॉडर्न ट्रीटमेंट। क्लस्टर बी से पढ़ते पढ़ते चीज समझ में आ चुकी है कि हमेशा ही मतलब साइकोथेरेपी चलेंगी, ठीक है। पिछली बार क्लस्टर बी में भी यही साइकोथेरेपीज थी। पहला था कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जहां पे आपको एक गोल ओरिएंटेड फॉर्म समझाया गया था और उसके हिसाब से आपका मैल अडेप्टेशन, जो आपकी बिहेवियर में मैल अडेप्टेशन आपने कर रखा है, उसको कैसे सुधारेंगे, ठीक है। डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी क्या था कि आप अपनी माइंडफुलनेस रखिए कि आपने जो अपनी लाइफ में चीजें रखी हैं वो कैसे गलत है, टू हेल्प इंडिविजुअल्स रेगुलेट इमोशन, इम्प्रूव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड टॉलरेट डिस्ट्रेस, कि आप अपनी लाइफ का डिस्ट्रेस झेल सकें, इसलिए डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी हेल्प करती है। नेक्स्ट इज स्कीमा थेरेपी। स्कीमा थेरेपी टारगेट करती है जो एक इनग्रेन पैटर्न बन चुका है आपका, चीजों को सोचने का, चीजों को महसूस करने का, जो अंदर इनग्रेन डिसबिलीफ है, जैसे डेल्यूजन में बहुत सारे रूब्रिक हमने समझे थे, तो वो अगर आपके अंदर बना हुआ है तो उसमें स्कीमा थेरेपी हेल्प करती है। देन देर इज मेडिकेशन। ऑब्वियसली अगर कोई प्रॉब्लम हमें दिख रही है जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन या कोई और चीजें साथ में चल रही है, तो हम उसके हिसाब से मतलब मेडिसिन यूज कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प स्ट्रेटेजीज में क्या है कि आप टाइम मैनेजमेंट को समझिए, आप सोशल सपोर्ट आपको मिलना चाहिए, और स्ट्रेस मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा, एंड थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे। लास्टली, क्योंकि 10 मिनट ही बचे हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑब्वियसली कि लास्ट में अपने टॉपिक पे आते हैं कि होम्योपैथी क्या हेल्प कर सकती है हमारी, क्योंकि जब भी हमने शुरू से इस टॉपिक को पढ़ा तो हमने ये समझने की कोशिश की कि हर टॉपिक में एक रूब्रिक एड ऑन होते जा रहा है, ठीक है। तो जब भी आप इस पेशेंट को देखेंगे
तो आप इसको ये समझने की कोशिश कीजिए कि इसकी लाइफ में ये चीजें आई कैसे थी, ये अगर इतना परफेक्ट है या इतना एनार्किस्ट है, इतना डिप्लोमेटिक है, तो ये ऐसा क्यों है? ठीक है, इसको क्लीनलीनेस मेनिया फॉर अगर है, आप वो रूब्रिक ले रहे हैं, तो क्यों आया वो भी समझिए, ठीक है, तो ही आपको डायग्नोसिस में हेल्प मिलने वाली है। रूब्रिक्स पे आते हैं, द फर्स्ट इज माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ही हमारा शुरुआत ही हुआ था परफेक्शनिज्म से, तो रूब्रिक हुआ एलिमेंट्स फ्रॉम स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन। माइंड चेकिंग ट्वाइस और मोर मस्ट चेक, देखिए ट्वाइस और मोर मस्ट चेक ना बेसिकली कंट्रोलिंग का क्रॉस रेफरेंस है, जब आप रूब्रिक लेंगे सिंथेसिस में माइंड कंट्रोलिंग, तो आपको तुरंत क्रॉस रेफर करेगा इस रूब्रिक के पास, माइंड चेकिंग ट्वाइस और मोर मस्ट चेक, आपको हर चीज को दो बार चेक करने की आदत हो गई है। माइंड क्लीनलीनेस मेनिया फॉर, ऑब्वियसली इस रूब्रिक को हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं। माइंड कॉन्ट्राडिक्शन इनटॉलरेंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कि आपको कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल नहीं चाहिए, ऑब्वियसली क्योंकि वो डिक्टेटोरियल है, उसको हर चीज अपने हिसाब से चाहिए। माइंड डिल्यूजन ब्यूटिफुल सीम्स इवन रैग्स सीम, क्योंकि उसको होर्डिंग की आदत पड़ चुकी है, तो उसको अपनी हर चीज ब्यूटीफुल लगने वाली है। फिर सेम वही डेल्यूजन है कि माइंड डेल्यूजन रैग्स आर फाइन एज सिल्क ओल्ड, ये दोनों रूब्रिक में सिंगल मेडिसिन सिर्फ सल्फर है। माइंड डॉगमेटिक, ज्यादा गुस्से वाला, ज्यादा चिल्लाने वाला, हर चीज को कंट्रोल करने वाला। माइंड फास्टिडियस, परफेक्ट वे वॉन्ट्स टू परफॉर्म इन अ, हमेशा अपनी हर चीज को परफेक्ट वे में परफॉर्म करना चाहता है। माइंड फॉरगॉटन, समथिंग फील्स कॉन्स्टेंटली एज इफ, क्योंकि आपको हर चीज कंट्रोल करने की आदत है, तो डबल चेक करने की आदत भी अपने आप हो जाएगी, तो हमेशा लगता रहेगा कि मैं कुछ भूल गया, कुछ भूल गया, ठीक है। माइंड ऑब्स्टिनेट, माइंड ऑर्डर डिजायर फॉर, क्योंकि ऑर्डरलीनेस था, माइंड ऑर्डर डिजायर फॉर एवरी थिंग इन टू ऑर्डर, चाहता है कि हर चीज एक ऑर्डर में रखते हैं। माइंड परफेक्शनिस्ट, माइंड रेस्ट कैनॉट रेस्ट वेन थिंग्स आर नॉट इन ऑर्डर, ठीक है, तो तब तक रेस्ट नहीं कर सकता जब तक चीजें ऑर्डर में नहीं है। माइंड सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज, क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रोल का नेचर है। एंड माइंड वॉशिंग डिजायर टू वॉश, यहाँ पे दो रूप, यहाँ पे एक रूब्रिक मुझसे मिस हुआ, माइजरली वाला, कि मैंने माइंड माइजरली नहीं लिया यहाँ पे, कि पैसा बचाने की एक आदत होती है इन लोगों की, बाकी सारे तो हैं, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम समझाने के लिए यूज किए गए थे, क्रॉस रेफरेंसेस थे, तो 10 सिम्टम्स ही थे जो मेन थे, जिसमें से 8 कंप्लीट किया कार्सिनोसिनम ने, 7 लिया है सल्फर ने, 7 आर्सेनिक के पास है, 6 है काली सल्फ, सीपिया, नैट्रम म्यूर, और सिफिलिनम है, लाइकोपोडियम है, कॉस्टिकम है, साइलिशिया है, और ट्यूबरकुलिन। देखिए यहाँ पे अगर हम इस तरीके से इस चीज को समझ रहे हैं, तो यहाँ कार्सिनोसिनम क्यों है? कार्सिनोसिनम बेसिकली किस तरीके की मेडिसिन है, जहां पे सीरियसली उसको हर चीज परफेक्ट चाहिए, वहां पे तो वो सही में, कार्सिनोसिनम में सिम्टम है कि वो स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शनिज्म, उसके एक सिम्टम है, तो कार्सिनोसिनम तो इस चीज में होनी ही थी, ठीक है, क्योंकि कार्सिनोसिनम को सबको खुश रख के चलना है, कार्सिनोसिनम का बचपन ही इस तरीके से चला है कि उसको सबको खुश रखना है, उसको अपने गार्जियंस के हिसाब से मोल्ड अप होके चलना है। यहाँ सल्फर ने सबसे ज्यादा नंबर कवर किए हैं, इसका रीजन है वॉशिंग की, जब भी आप बात करेंगे कि हर चीज को क्लीनलीनेस चाहिए, हर चीज को एक ऑर्डरली फैशन में रखना है, एक मेनिया है उसके प्रति भागने का, लेकिन चीजें परफेक्ट भी होनी चाहिए, चीजें मेरे हिसाब से भी होनी चाहिए, मैं दूसरों पे चिल्ला सकता हूँ, मैं ज्यादा एम्बिशियस हूँ, ज्यादा जीलस हूँ, जब हम इस मेटिक्यूलस परफॉर्मेंस की बात करेंगे, तो सल्फर हमेशा ही अपने आप आ जाएगी, क्योंकि सल्फर का जो मेटिक्यूलसनेस है वो इस लेवल का है, ठीक है। आर्सेनिक के पास ज्यादा नंबर नहीं है, रीजन भी कि केवल आर्सेनिक ज्यादा नंबर कवर करती है वॉशिंग वाले रूब्रिक में, वॉशिंग मेनिया फॉर क्लीनलीनेस मेनिया फॉर ऑर्डरलीनेस वाला जो रूब्रिक आएगा, वहां आर्सेनिक के ज्यादा नंबर आ सकते हैं, इसके अलावा आर्सेनिक बहुत नंबर लेके नहीं आ सकते, ठीक है। काली सेल्फ के 10 नंबर क्यों आए, क्योंकि काली सेल्फ ने मेंटल सिम्टम्स को भी कवर किया है, एलिमेंट्स फ्रॉम परफेक्शन वाला जो लॉस होगा तो एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पे काली फैमिली हमेशा आ जाती है, जैसे काली ब्रूम है जब बिजनेस का लॉस हो जाता है, तो ठीक है, तो काली फैमिली हमेशा आ जाती है जब एलिमेंट्स फ्रॉम के आप रूब्रिक लेना शुरू करेंगे, तो काली फैमिली हमेशा होती है। चार मेडिसिन जो ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे, द फर्स्ट वुड बी कार्सिनोसिनम, इमोशनल सेंसिटिविटी, क्योंकि कार्सिनोसिनम उन लोगों के लिए ही बनी गई जो बहुत हाईली एम्पैथेटिक है, जिनको दूसरों का दुख देख के हमेशा बुरा लगने लगता है, ठीक है, इसीलिए कहीं ना कहीं अपने घर वालों को खुश रखने में बड़ा बिलीव करता है, हर चीज के लिए परफेक्शन चाहिए, इनके एंग्जाइटी और फियर हमेशा इन इस मेडिसिन को कंट्रोल किए रहते हैं, इनकी बहुत सारी एंग्जाइटी जैसे हेल्थ को लेके, सेफ्टी को लेके, और लव्ड वंस की हेल्थ को लेके, कि वो कैसे होंगे, वो वहां है तो खुश तो है, तो वो सारी चीजें ना कार्सिनोसिनम में हमेशा मैटर करती है। डिजायर फॉर चेंज, क्योंकि आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में भी चाहिए, लेकिन आपको दूसरों को भी खुश रखना है, तो इसलिए डिजायर फॉर चेंज भी है, कि मुझे ये लग रहा है कि मैं यहाँ बंधा हुआ हूँ और मुझे यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए।
इसीलिए कार्सिनोसिनम में डिजायर फॉर चेंज है। कार्सिनोसिनम क्योंकि ब्यूटी को प्रेज करता है, इसीलिए क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक टेंडेंसीज भी कार्सिनोसिनम में रहेंगी। सल्फर, ऑब्वियसली वो जो दो डेल्यूशन लिए थे उसमें सल्फर दोनों में ही सिंगल मेडिसिन थी, इससे सल्फर को टॉप पे आना ही था, ठीक है। तो अनटाइडीनेस और डिसॉल्वेंट वाला जो रूब्रिक है, होल्डिंग वाला, उसमें तो सल्फर आनी ही आनी है। सल्फर दूसरा क्यों थी? क्योंकि इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल परफेक्शनिज्म वाला जो लेवल था कि हर चीज परफेक्ट चाहिए, हर चीज बहुत अच्छे से चाहिए, उस चीज में हमेशा ही सल्फर आनी थी, ठीक है। इंडिपेंडेंस एंड नॉन कॉन्फॉर्मिटी, सल्फर हमेशा ही इंडिपेंडेंस चाहता है और अथॉरिटी को रेजिस्ट करता है, ठीक है। क्योंकि सल्फर खुद से कहते हैं कि अपने वक्त से ज्यादा आगे का सोच रहा होता है, रैक फिलोसफर ही तो बोला जाता है, तो अपने वक्त से आगे का सोच रहा होता है, तो इसीलिए ना अथॉरिटी से प्रॉब्लम होती है इसको। और नेक्स्ट इज रेस्टलेसनेस एंड एजिटेशन, ऑब्वियसली सल्फर एजिटेटेड रहता है, हमेशा ही रेस्टलेस रहता है। वार्म इंटॉलरेंस और स्किन वाले सिम्टम्स हम जानते हैं। क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, नॉर्मली सल्फर को कहा जाता है कि फैशन डिजाइनर्स की बहुत अच्छी मेडिसिन है, जो हमेशा न्यू न्यू चीजों की डिजाइनिंग कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि ये क्रिएटिव होते हैं, इनको एक्सप्लोरेशन में मजा आ रहा होता है। लास्ट टू मेडिसिन लेफ्ट, फर्स्ट इज आर्सेनिक। आर्सेनिक क्यों? क्योंकि उसका एंग्जाइटी और फियर बहुत टॉप मोस्ट है, उसको हर चीज में क्या चाहिए, अपनी हेल्थ, सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे टॉप मोस्ट पे होती है, इसीलिए ओसीपीडी और ओसीडी दोनों में ही आर्सेनिक होती है, क्योंकि उसको हमेशा एक होता है कि मेरा हेल्थ कैसा रहेगा, मैं बार बार हाथ नहीं धुलूंगा तो हेल्थ खराब हो सकती है। एंड सेम भाई ऑर्डरलीनेस वाला जो रूब्रिक था, तो इसलिए एंग्जाइटी और फियर। परफेक्शनिज्म एंड ऑर्डरलीनेस, अगेन सेम थिंग कि परफेक्शनिज्म चाहिए इसको। नेक्स्ट इज फास्टिडियसनेस एंड क्लीनलीनेस, क्योंकि आर्सेनिक फास्टिडियस होता है, आर्सेनिक को हमेशा सफाई चाहिए होती है, इसलिए आर्सेनिक। रेस्टलेसनेस और एजिटेशन सेम एज सल्फर। डिजायर फॉर कंपनी, फिजिकल वीकनेस और फटीग, इसको हमेशा वार्म ड्रिंक्स चाहिए होते हैं और फिजिकली वीक होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स आ रहे हैं, कॉलेरा, वॉमिटिंग, इस तरीके से। एंड लास्टली इज इमोशनल सेंसिटिविटी, क्योंकि इसको क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं चाहिए, और हमारे आज का हमारा जो टॉपिक था वो बिल्कुल इसी बारे में बात करे कि कॉन्ट्राडिक्शन से एग्रावेशन है, तो इसलिए उस क्रिटिसिज्म से प्रॉब्लम होने की वजह से ये यहाँ पे मेंशनड है। द लास्ट मेडिसिन इज काली सल्फ, क्योंकि ऑब्वियसली हम काली सल्फ की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ तो सारे के सारे फिजिकल सिम्टम्स लिखे हुए हैं। काली सल्फ आई क्यों इसमें? इसका एक बेसिक जो रीजन था वो ये था कि वो जो परफेक्शन वाला रूब्रिक था कि एलिमेंट्स फ्रॉम, अगर परफेक्शन में प्रॉब्लम हुई तो, अगर परफेक्शन, हर चीज परफेक्शन में चाहिए, ऑर्डरलीनेस में चाहिए, इसलिए काली सेल्फ यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके मूड स्विंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो हमेशा ही ऑप्टिमिज्म एंड नेगेटिविटी के बीच में हमेशा ही मूव करते रहते हैं। इस तरीके से मेरा आज का टॉपिक खत्म होता है, मेरे पास 3 मिनट्स लेफ्ट हैं, मैं स्क्रीन शेयर बंद कर देता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। बहुत अच्छा था मनीष जी। एक चीज को मैं जिक्र करना चाहूंगा कि आजकल जो हम लोग रिपोर्ट्री में मेंटल सिम्टम्स रूब्रिक्स को देखते हैं, और इधर जो आपने साइकोलॉजी के आधार पर जो ये पर्सनैलिटी डिजॉर्डर्स के डिफरेंट आयाम को आप दिखा रहे हैं, ये आज के समय में मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जब हम केवल रूब्रिक्स के अंडरस्टैंडिंग में चलते हैं, जैसे फास्टिडियस को लेकर के चलते हैं, तो सभी लोग इसके विषय में अपना अपना एक धारणा बना करके रखते हैं। इससे क्या होता है कि वो फिर उसका अलग एप्लीकेशन नहीं हो सकता है। जबकि रूब्रिक्स में कहा गया है कि रूब्रिक्स एक ऐसा है जिसके अंदर में कई एक मीनिंग समाया जा सकता है। तो रूब्रिक्स को समझने के लिए अगर हम लोगों के अंदर में साइकोलॉजी का नॉलेज बढ़ता चला जाए तो हम लोग इसके साथ में काफी अच्छा रिपोर्ट्री का, मेंटल सिम्टम्स का अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। ये बात पुरानी हो गई और गलत भी होगा कि हम एक पेशेंट में जो सामने देख रहा है और उसी को सिम्टम्स को मान करके चले, क्योंकि डॉक्टर हेनिमेन के जो लेटर अंडरस्टैंडिंग है क्रॉनिक डिजीज के संबंध में, कहा कि क्रॉनिक डिजीज का केवल सिम्टम्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, पॉजिटिव फैक्टर्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड सोशल फैक्टर्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्यों, जिसमें कि उन्होंने माज वगैरह की चर्चा की। तो ये सब बातों को हम लोगों को समझते हुए ध्यान में रखेंगे, और कुछ टर्मिनोलॉजी कुछ चेंजेस जो रहे हैं, जैसे कि आपने पर्सनैलिटी डिजॉर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर कहा, तो कुछ वर्ड्स और आते हैं जैसे सिजोफ्रेनिया भी आते हैं,
तो सिजोफ्रेनिया के और वॉशिंग मैनिया के लिए जो मोस्टली सिम्टम्स ये रूब्रिक्स यूज करते कहते हैं कि ये सिजोफ्रेनिक पेशेंट है, तो ये टर्मिनोलॉजी भी थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा, और ये टर्मिनोलॉजी तब समझ सकते हैं जबकि हम साइकोलॉजी के आधार पर हम लोग अध्ययन करते हैं। तो यही एक हम लोगों का एक बहुत अच्छा अप्रोच है। मैं समझता हूँ कि हम लोग इस तरह से अपने जो डिफरेंट पर्सनैलिटी डिजॉर्डर्स को लेकर के चले हैं, तो मैं चाहूँगा कि और भी इसके, मैंने ये तो आप कुछ एस्पेक्ट को टेकअप किया है और आप इस पर अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसको एक लेकर के आपको विशेष रूप से और भी आगे जाना चाहिए। हम लोगों का समय अब पूरा हो चुका है, मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और अंकिता जी आप माइक को हैंड ओवर कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मनीष सर, आज का सेशन आपका काफी नॉलेजेबल था और काफी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। टाइम लिमिट हमारा जितना भी उसमें आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एंड अभी धनेश सर ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे नेक्स्ट स्पीकर वर्मा सर भी ज्वाइन कर चुके हैं, तो आई विल नाउ हैंड ओवर द माइक टू धनेश सर फॉर इंग्लिश सेशन दैट इज फ्रॉम 8 to 9।